नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तरह तरह के IV फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट के लगाए जाते हैं। इन्हीं IV फ्रूट्स के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखना। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, कब कौन सा फ्लूड लगाया जाता है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ्लूड हमने अपनी क्रैगरी में रखा हुआ है वह NS, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल सलाइन इसको बोला जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो है ये बेसिकली नमक का घोल आप बोल सकते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो 1000 ml में कितना है, 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। इसकी दो बोतल दो है हमारे पास दोस्तों हैं, एक है 500 ml की और एक है 100 ml की। 500 ml बोतल की बात करें तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इसका उपयोग होता है वो होता है दोस्तों, जो है क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हो गया हो, पानी की कमी हो गई हो, डायरिया बहुत ज़्यादा हो, लूज मोशन आ रहे हों, साथ ही साथ उसको उल्टी हो रही हो, उसमें भी पानी की कमी हो जाती है। साथ ही दोस्तों, इसका उपयोग जो है मेडिसिन को डाइल्यूट करने के लिए भी किया जाता है। अब भाई कौन सी मेडिसिन को डाइल्यूट करने के लिए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो मेडिसिन है ये पाउडर फॉर्म में है हमारे पास। इस मेडिसिन को हम इस जो है फ्लूड से डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद में पेशेंट को जो है लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसका उपयोग हाइपोवोलेमिया में किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है अगर शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, वो कमी एक्सीडेंट वगैरह इंजरी वगैरह से भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो है ये NS का उपयोग किया जाता है। 500 ml की बोतल है। वहीं पे अगर बात करें ये जो 100 ml की बोतल है, तो दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो है ड्रग को देने में, मतलब दवाइयों को चढ़ाने में। अब मान लीजिए ये दवाई हमें देनी है, तो क्या करेंगे, इस वाले में जो है इसको मिक्स करके पेशेंट को लगा देंगे। तो ऐसे करके जो है ये जो मेडिसिन होती हैं ये NS के साथ में जो है पेशेंट को डायरेक्टली इसमें जो है मिक्स करके चढ़ा दी जाती हैं। तो दोस्तों ये हो गया NS के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेक्सट्रोज के बारे में, यानी कि DNS के बारे में। तो दोस्तों DNS बेसिकली क्या है कि इसमें NS, एक तो NS है मतलब नॉर्मल सलाइन है, साथ ही साथ इसमें चीनी भी मिला दी गई है, यानी कि डेक्सट्रोज भी मिला हुआ है। अगर दोस्तों बात करें इसके यूजेस के बारे में कि भाई DNS का क्या क्या यूज़ है, तो दोस्तों डिहाइड्रेशन में सबसे पहले इसका उपयोग होगा, यानी कि अगर मान लीजिए पानी की कमी हो गई है शरीर में, तब इसका उपयोग वहां पर कर सकते हैं। वॉमिटिंग, अगर किसी को उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हो। साथ ही दोस्तों ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा पड़ी हुई है, यानी कि चीनी है जो कि एनर्जी पेशेंट को देती है, ऊर्जा देती है। साथ ही अगर पानी वगैरह की कमी हो गई है एक्सीडेंट ट्रॉमा इंजरी के कारण, तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बता दिया हमने आपको DNS के बारे में, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में। वैसे दोस्तों इन बोतलों का अगर डोज हम जानें तो पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार इनको लगाया जाता है, तो वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि भाई कितनी बोतल आपको चढ़ानी है। वैसे 3-4 बोतल जो है 24 घंटे में पेशेंट को दी जा सकती हैं नॉर्मली, मैं बता रहा हूँ, बाकी पेशेंट पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RL के बारे में। ये RL है 500 ml रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन है। इसमें कंपोजिशन के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं साफ क्लियर लैक्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये एक बेसिकली क्या है दोस्तों, इसमें कई सारे जो है इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। इसको कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन भी बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई ये जो RL है भाई इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो दोस्तों मान लीजिए कि एक्सीडेंट वगैरह से किसी का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसका उपयोग होता है। अगर कोई जल जाता है तो बर्न के केस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सेप्सिस जो है हो गया दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, तो उसमें भी इस फ्लूड को लगाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस जो है इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों ये क्या करता है कि आपके बॉडी में जो pH लेवल है उसको जो है मेंटेन करता है। तो दोस्तों तो इसमें इसका उपयोग करते हैं इन कंडीशनों में। बात करें डोज के बारे में, तो दोस्तों 24 घंटे में जो है डॉक्टर अपने आवश्यकता के अनुसार 3-4 बोतल उपयोग कर सकते हैं। वहीं पे अब बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। डेक्सट्रोज 3 बोतल है हमारे पास, 5D, 10D और दोस्तों ये है जो है 25%।
यानी कि इसमें क्या मिलेगा आपको जो है 100 ml में, 100 ml जो है सॉल्यूशन में जो डेक्सट्रोज होगा वो कितना होगा दोस्तों, 5 ग्राम होगा। इसमें 10 ग्राम होगा 100 ml में, और इसमें 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज डाला गया है। अब दोस्तों बात करें तो ये जो बोतल है इसका मुख्य रूप से, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसके शरीर में पानी की कमी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, कमजोरी लग रही हो, तब इसका उपयोग करते हैं। ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसमें डेक्सट्रोज पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो ये पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है, ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। पेशेंट कुछ बाहर से खा पी नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है उसको एनर्जी देने के लिए ये डेक्सट्रोज जो है इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर वहाँ पर करते हैं। साथ ही दोस्तों अगर बात करें भाई ये छोटी सी बोतल क्यों बनाई गई है 25%, तो दोस्तों इसके साथ में जो है पेशेंट को दवाइयां भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा जो है इसके साथ में इसमें मिक्स करके जो है डायरेक्टली चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया फ्लूड्स के बारे में। साथ ही दोस्तों अदर भी कई सारे फ्लूड्स आते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न हो गया। तो दोस्तों ये जो पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न है, जब पेशेंट के फीवर वगैरह रहता है तो उस कंडीशन में ये जो है बोतल चढ़ाई जाती है। इसके अलावा भी कई सारे फ्लूड्स हैं, अगर आप जो है कमेंट करेंगे तो उनको मैं जो है उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।